हाय एवरीवन, आज है लेसन नंबर 8 हमारी फिटनेस सीरीज़ का। एंड आज मैं आपसे बात करूँगा, बहुत केसेस देखे जाते हैं जब आप लंबे टाइम में मैच खेल रहे हो या कोई भी प्रैक्टिस सेशन करते हैं तो उसमें मसल क्रैम्प आने के बहुत ज़्यादा दिक्कत प्लेयर फेस करते हैं। उस टाइम पर आप क्या कर सकते हैं, आज उस चीज़ के ऊपर बात करूँगा। मसल क्रैम्प कब आते हैं, जब हमारी बॉडी में जो सोल्ट की इंटेक है वो कम होती है, तो उससे क्या है मसल क्रैम्प कोज होने शुरू हो जाते हैं। अब मसल क्रैम्प जब आप आते हैं आपको, तो उस समय आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो उस एरिया पे आप आइस सप्लाई करें 10 मिनट के लिए हर 2 से 3 घंटे में, तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। दूसरी चीज़, अपनी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा बढ़ाए, जिसमें कि आपका सोडियम पोटेशियम आते हैं। इसमें आप जो आजकल देख केमिस्ट पे जाकर आप इलेक्ट्रोल्स वगैरह ले सकते हैं, या फिर BCAA ले सकते हैं, या फिर आपके जो फास्ट एंड अप वगैरह ये ड्रिंक्स आती है, आप ये सब चीज़ें वर्कआउट के दौरान ज़रूर ऐड करें, क्योंकि जितनी आजकल गर्मी चल रही है उस चीज़ में आपको उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा रहती है। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको जो आपकी जो बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी है उसको पूरी करके आप चले। तीसरी चीज़, आप क्या कर सकते हैं, प्रॉपर पैसिव स्ट्रेचिंग करें, जिसमें कि स्टैटिक स्ट्रेचिंग और जरूर इंक्लूड करें, जिसमें आप कोई भी स्ट्रेच है उस जो मसल पार्ट आपका क्रैम्प हो रहा है, सब उसका अगर काफ स्ट्रेच हो रहा है या फिर हैमस्ट्रिंग हो रही है, तो उस पार्ट को आप स्ट्रेचिंग दे, स्ट्रेच करें 10 से 15 सेकंड 30 सेकंड, उसको स्ट्रेच करके रखें, जिससे कि जो मसल क्रैम्प आपका हो रहा है उससे आपको छुटकारा मिले। तो ये 2-3 चीज़ें आप अपनी मसल क्रैम्प के दौरान ध्यान रख सकते हैं और इन चीज़ों को इंक्लूड करके इस चीज़ से बच सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।